देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। वहीं कृष्ण मंदिरों में विविध कार्यक्रम हुए। राजधानी में भी बड़े ही धूमधाम से त्यौहार मनाया गया। शहर के सभी प्राचीन सदर बाजार स्थित श्री गोपाल मंदिर में जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन किया गया और देर रात तक शहर में उत्साह का माहौल बना रहा। मंदिर पहुंचकर सहयोगी अंबिका मिश्र ने भक्तों से खास बातचीत की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और जगह जगह पे हम बात करें श्री कृष्ण मंदिर में जो है कई आयोजन किए जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव भी आज मनाया जा रहा है। कहीं कहीं पर तो दही हांडी का भी आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश भर में इसकी धूम है। और बात करते हैं राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देखते ही बन रही है। हम आपको बता दें कि सब मौजूद है राजधानी रायपुर के सदर बाजार इलाके में, जहाँ पर श्री गोपाल जी का मंदिर है और ये जो संचालन इसका होता है श्री गोपाल ट्रस्ट समिति के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और बात करें इस मंदिर के इतिहास की, तो ये मंदिर का इतिहास लगभग 600 वर्ष पुराना है। यहाँ के रहने वाले लोग जो यहाँ पर पूजा करते हैं उनके अनुसार से इसका इतिहास काफी पुराना है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंदिर को सजाया गया है फूलों से। और यहाँ पर आज जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी मनाया जाएगा। कई विविध रंगारंग कार्यक्रम जो है कराए जाएंगे। क्या कुछ पूरे प्रोग्राम किए जाने हैं, क्या कुछ यहाँ के इस आयोजन की रूपरेखा है, हम सीधे इसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ के पुजारी पंडित मिश्र जी हैं। हम यहाँ पर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन है, धूम मनाया जा रहा है, जो धूम है किस प्रकार की आज आयोजन होने और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है। कृष्ण प्रागट्य उत्सव है और हमारे यहाँ तो सुबह 5 बजे से ही उत्सव प्रारंभ हो जाता है। सुबह 5 बजे पंचामृत स्नान होता है और उसके बाद में श्रृंगार इत्यादि करके फिर गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक होता है। बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की, तो इस मंदिर का इतिहास लगभग कितने वर्षों का है, कितना वर्ष पुराना है। हमारे जानकारी के अनुसार यह मंदिर 650 साल पुराना है। प्राचीन मिट्टी की मंदिर हुआ करती थी, अभी जो है 63 में ये नया भूत बना है और उसके बाद से तो गोपाल जी के चरण चिन्हों में 1813 ईस्वी लिखा हुआ है। इतना प्राचीन मूर्ति है और इसका इतिहास और पीछे में गणेश जी और दुर्गा जी नरसिंह भगवान भी हैं। जो गणेश जी हैं उनका तो पता नहीं है कितने वर्षों पुराने हैं, वो श्वेतार के गणेश जी हैं। बात करते हैं, हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं, हम उन श्रद्धालुओं से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम कैसे मना रहे हैं, कैसे उसका त्योहार मना रहे हैं। हम आपसे जानेंगे कि आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, किस प्रकार आप लोगों ने तैयारियां की हैं अपने घरों में। हमने कृष्ण जी को अच्छी इसको वेशभूषा नई उन लोगों के लिए लाके पहनाए हैं और फूलों से उनका श्रृंगार करे हैं, सब श्रृंगार करके उनके भोग लगाए, सब झूले में बैठा के उनको पालने में बैठा के उनका झूला देते हैं, सब करते हैं। कितने वर्षों से आप इस मंदिर में आ रही हैं और क्या हर साल आपको आयोजन जो है अलग अलग लगे, कितने वर्षों से आ रही हैं। इस मंदिर में मैं आज 35 साल से आ रही हूँ, तो हमेशा अलग अलग आयोजन मिलता है। अब कल इसके बाद यहाँ दही हांडी भी होगी, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, तो उसमें भी आज तक 35 साल से आ रहा हूँ। साथ में और भी देखिए, बहुत ही प्यारी सी राधा रानी हमारे बीच में है और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने आई है। और सबसे पहले तो मैं कहूँ कि देखिए प्यारी कितनी हमारी छोटी सी राधा रानी बन के आई है और कितना मनमोहक स्वरूप लग रहा है। लग रहा है कि सच में गोकुल की अगर हम बात करें तो राधा रानी यहाँ पर आई है और ये भी आज इस आयोजन में इस प्रकाटी उत्सव में शामिल होंगी। हम सीधे राधा रानी से बात करते हैं, क्या नाम है आपका और आज आप राधा बनी है, कैसा लग रहा है। मेरा नाम है हंसिका तांडी, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। ये जो आपने राधा का जो गेटअप लिया है, कैसे दिमाग में आया कि आज मुझे राधा बनना है और कैसा लग रहा है। जन्माष्टमी थी तो घर वाले ने सोचा राधा बनाएंगे, इसलिए राधा लुक लिया। संदेश क्या दोगे आप लोगों को, आज जन्माष्टमी है कुछ नहीं, कुछ विशेष विश देंगी ना। हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको भी। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पर मनाया जाएगा और
साथ ही साथ कई विविध आयोजन भी किए जाएंगे। रात्रि में जब गर्भगृह भी खुलेगा, आरती भी होगी, तमाम आयोजन होंगे और दही हांडी का जो कार्यक्रम है आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगा। और हिंदू धर्म के अनुसार भादो माह का जो महीना होता है काफी पावन होता है और इसी पावन महीने पे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, साथ ही साथ जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भी आज इस आयोजन में हिस्सेदारी करते हुए अपनी सुनिश्चितता निश्चित कर रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के लिए सहयोगिता की श्रोताओं के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।